नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे इस वीडियो को बनाने के बारे में बोला और मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम सब जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो आज की वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगी कि आपको कैसे पता लगेगा आपकी सोल जो है, एक ओल्ड सोल है, पुरानी सोल है, नई सोल है, वो कैसे डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले क्यों आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ओल्ड सोल और न्यू सोल में फ़र्क क्या होता है, क्या चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और क्या सारी ओल्ड सोल्स जो हैं वो वाइज होती हैं या ओल्ड सोल्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, और क्यों और कैसे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है मेरे पास अभी कुछ वीडियोज़ के लिए, स्पेशली इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, और मैं उस पर काम कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए सारे पॉइंट्स डायरी में अच्छे से नोट करने पड़ते हैं ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ वीडियो बनाते हुए। तो इसलिए वो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है स्केड्यूल के साथ, अपने काफ़ी बिजी दिन होता है मेरा, दिनचर्या काफ़ी बिजी होती है, तो मुझे कम टाइम मिलता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी, होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपके साथ इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में शेयर करूँ। तो बात करते हैं सोल की, पुरानी सोल या नई सोल। उससे पहले एक कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, मैसेज निकाल लेते हैं। क्या है ओके, सो गाइड्स, अगेन दो मैसेज हैं जो मेरे पास हैं, और पहला बोलता है राउंड एंड राउंड, और दूसरा बोलता है जस्टिस, क्योंकि टू बी फेयर। और ये कार्ड बोलते हैं बेसिकली कि हम सर्कल्स में किसी चीज़ में घूम ही जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का अंत नहीं होगा, या ये इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को एक सही रास्ता नहीं मिलेगा, या सही दिशा नहीं मिलेगी, या जस्टिस नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पूरा जो रियलिटी है उसके सामने आने के लिए एक पेंडुलम की तरह हमें, जब टाइम आगे चढ़ता है और घड़ी का पेंडुलम इधर उधर होता रहता है हर घंटे में, तो इस तरह हमें भी पेंडुलम की तरह लाइफ में इधर उधर होना पड़ता है। कई बार बहुत सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं, कई बार सब कुछ एकदम डूबता हुआ दिखाई देता है, समझ नहीं आता है कि किस तरफ सही रास्ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से कार्ड्स हैं कि अब हम उस सर्कल सिचुएशन से जहाँ हम सेम चक्कर में गोल गोल घूम ही जा रहे थे वहाँ से, क्योंकि अगर आप देखो तो ये सर्कल अब बड़ा होते होते धीरे 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 ये अंदर थर्ड आई पे बिल्कुल फोकस हो रहा है। इसका मतलब है कि जो विजन है, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हम रियलिटी चेक चाहते हैं, जो हम रियलिटी अपनी लाइफ से चाहते हैं, वो एक्सपैंड हो रही है, और जो भी सही सच है, जो भी ट्रुथ है, जो भी जस्टिस है, वो डेफिनेटली डिलीवर होगा। और जो कॉस्मोस है, जो एनवायरनमेंट है, जो भगवान है, जो सोर्स है, वो कभी भी अनफेयर नहीं होता है। टाइम लगता है चीज़ों को होने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम ले रही है, बहुत वक्त लग रहा है, तो उससे डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सही वक्त होता है उसी पे सही चीज़ होती है, और नेचर कभी भी अनफेयर नहीं होती है, कॉस्मोस या सोर्स कभी भी अनफेयर नहीं होता है। जब आप बिल्कुल रेडी होंगे तभी कोई भी चीज़ होगी। तो इसीलिए वेट करें और डिसहार्टन ना हो अपनी लाइफ में अगर आपके सिचुएशन में कोई भी चीज़ जो है उसका आपको इमिडिएट रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा है। और कई बार कुछ चीज़ों का रिज़ल्ट हमें तब भी नहीं मिलता है जब वो हमारे लिए नहीं होता है उस वक्त पे, वो वक्त हमारे लिए सही नहीं होता है। ये कार्ड बोलता है नॉट फॉर यू, इसका मतलब है कि ये वक्त सही नहीं है अभी, और होपफुली बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें चेंज होंगी, वो सही वक्त आएगा, और वहाँ से एक सोल्यूशन जो है वो निकल के आएगा। अगर आपके मन में अभी कोई भी सवाल आया था जब मैं पहली वाली चीज़ बोल रही थी कि सर्कल्स में हम जा रहे हैं तो जस्टिस होगा या सच जो है सामने आएगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आया था, तो कार्ड आया नो, इसका मतलब है नो, आपको डाउट नहीं करना है, इसमें डाउट की कोई जगह नहीं है, और वाकई में जो चीज़ें सही से होनी हैं वो होंगी। बात करते हैं सोल्स की। तो जो सोल वर्ल्ड है, या जो हम आत्मा की बात करते हैं, एक आत्मा बहुत बार जन्म लेती है, मरती है, शरीर लेती है, मरती है, तो एक साइकिल है जो चलता रहता है। और जब ये साइकिल चलता रहता है तो यूजुअली कुछ सोल्स होती हैं जो बहुत पुरानी सीजनड ओल्ड सोल हो जाती हैं, और कुछ सोल्स होती हैं, क्योंकि इस साइकिल में नई सोल्स भी आती हैं, तो कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो नई होती हैं, या जो अभी जिन्होंने कुछ ही बर्थ्स लिए हुए हैं। अब
बेसिक आप सोल मेरी सोल पाथ की जो वीडियो है, आत्मा की जर्नी की, आत्मा की यात्रा की जो सीरीज़ है वो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा आत्मा के बारे में, और जो मैं क्यों वो नई सोल्स आती हैं, क्यों वो ओल्ड सोल्स होती हैं, वो मैंने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी पता चलेगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी उस प्लेलिस्ट का। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे एक सोल ओल्ड होती जाती है वैसे वैसे वो सोल सीखना भी चाहती है, क्योंकि आप एक साइकिल में जा रहे हो और अल्टीमेटली आप बर्थ रीबर्थ ले रहे हो। आपका मकसद जो है वो सीखना है, और सीख के सोर्स में या गॉड में, मोक्ष जिसको आप बोलते हो, मोक्ष पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की तरफ रेफर कर रही हूँ। लेकिन मोक्ष में जाना और सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाना, और सोर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे रीबर्थ्स लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी या अर्थ जो है, धरती जो है, वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं और जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, और इसीलिए उन लर्निंग्स के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो सोल जो है वो बार बार रीबर्थ लेती है। अब इस रीबर्थ के प्रोसेस में कुछ सोल्स जो होती हैं वो पुरानी सोल्स होती हैं, कुछ सोल्स जो होती हैं वो नई सोल्स होती हैं, या एवरेज सोल्स होती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम एक पुरानी सोल हैं या हम एक नई सोल हैं। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आप एक ओल्ड सोल हो, तो शायद आपको ज़्यादा ज़ील मिलेगी, ज़्यादा इंथुजियाज़म मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आपको जल्दी से अपना लेसन लर्न करना है, क्योंकि आप मोक्ष के या अपनी लर्निंग्स के बहुत करीब हो। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि आप पुरानी सोल हो या नई सोल हो? सबसे पहला क्राइटेरिया जो है पुरानी सोल का, वो ये है कि आपका सर्कल जो है ना वो बहुत वाइड होगा। और जब मैं बोल रही हूँ आपका सर्कल बहुत वाइड होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्तेदार ज़्यादा होंगे, आपके दोस्त ज़्यादा होंगे। स्लोली इन अर्ली एजेस हो सकता है कि आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त ज़्यादा हों, लेकिन धीरे धीरे आपका सर्कल बहुत ज़्यादा वाइडन होता जाएगा। तो आपका सर्कल इतना बड़ा होगा कि आप बहुत सारे अनजान लोगों के साथ भी जुड़े होंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो भी ओल्ड सोल है उसने बहुत सारे रिबर्थ्स लिए हैं, और जितने रिबर्थ्स लिए हैं उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग सोल से वो कनेक्ट हुई है, और इन अ वे वो फिर से उन सोल्स के साथ हर रिबर्थ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट होती है, और इसीलिए वो जो साइकिल है, वो जो सर्कल है, वो बहुत बड़ा एक्सपेंडेड हो जाता है ओल्ड सोल्स के लिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ओल्ड सोल का, उनका सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे अनलोन लोग उनके सर्कल में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सबको जाने, लेकिन ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ग्लैमर या मीडिया वर्ल्ड के लोग होते हैं, जो डिवाइन पाथ पे चलने वाले गाइड्स होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, यूजुअली इस तरह के लोग, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लिमिटेड एरिया में रहकर भी किसी ना किसी तरह का काम कर रहे होते हैं, और उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। टीचर्स आप कह लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो ओवर एंड ओवर मिलते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज या जो मतलब बहुत हाई लेवल पे जो लोग होते हैं जिनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और वो सारे एम्प्लॉयज़ उनके थ्रू ही अर्न कर रहे हैं या उनके थ्रू ही उनको जानते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो एक तरह से बड़े सर्कल, बड़ा सर्कल जो उनको जानता है, वो ओल्ड सोल्स होती हैं यूजुअली। अब ये सारी ओल्ड सोल्स वाइज होती हैं कि नहीं होती हैं, ये मैं लास्ट में बताऊँगी। तो डोंट थिंक मैं बॉलीवुड वालों को अवेकेंड बोल रही हूँ, एब्सोल्युटली नहीं, या मीडिया वालों को या पॉलिटिशियंस को अवेकेंड बोल रही हूँ, एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन मैं लास्ट में वो भी कवर करूँगी। तो सबसे पहला होता है सर्कल। तो जो पुरानी सोल्स होंगी, जितना पुरानी आपकी सोल होगी उतना बड़ा सर्कल होगा। फॉर एग्जांपल सुशांत जो हैं वो लाखों करोड़ों लोगों के साथ ओवर द वर्ल्ड जाने के बाद भी कनेक्टेड हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं फिर भी कनेक्टेड हैं एज अ सोल, और इतने सारे लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी सोल है और अवेकेंड सोल है, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, अवेकनिंग में हेल्प कर रही है। तो इस तरह ओल्ड सोल्स होती है। दूसरा ओल्ड सोल का वो होता है कि उनकी इंक्लिनेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अवेकनिंग की तरफ होती है। जो ओल्ड सोल्स होंगी उनके मन में कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग का, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का, इस तरह के ख्याल जो है ना उनके मन में आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ओल्ड सोल्स के मन में ये ख्याल आएँ, क्योंकि कुछ जो ओल्ड सोल्स होती हैं वो नेगेटिविटी में धीरे 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 करके इतना लिप्त हो जाती हैं कि वो अपनी अपनी सोल की वॉइस को दबा देती हैं, उनकी सोल की वॉइस बिल्कुल मर जाती है, वो ह्यूमन माइंड के अंडर आ जाती हैं। उस वजह से वो अवेकनिंग की तरफ हो सकता है ना जाएँ, लेकिन
यूजुअल सर्कमस्टांसिस में जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी में, अवेकनिंग में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. और यूजुअली ये बहुत ओल्ड ज़रूरी नहीं है बहुत ओल्ड हों ये सोल्स, ये मिड टू ओल्ड लेवल वाली सोल्स जो होती हैं वो भी हो सकती हैं जिनका अवेकनिंग में या स्पिरिचुअलिटी में या इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा हो. तीसरा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनके लाइफ में होंगी, प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स. अब ये प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स इनकी लाइफ में होंगी, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स नहीं होंगी कि उनके पास खाने को खाना नहीं है या उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है. नहीं, जो बेसिक नीड्स वाली प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी लाइफ में नहीं होंगी, बेसिक्स उनको प्रोवाइडेड होंगे. इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी उनको, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कहीं ना कहीं हेलुसिनेशंस, माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, इस तरह की इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी या इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी. पॉसिबली वो उनके घर में इस तरह के बेबीज़ होंगे जिनको किस तरह की प्रॉब्लम, ऑटिज्म या अलग किसी तरह की प्रॉब्लम होगी और उनको उससे डील करना पड़ेगा, या वो अपने लव्ड वंस को बहुत जल्दी खो देंगे, या फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत प्रॉब्लम से भरा होगा. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओल्ड सोल्स होती हैं वो जल्दी सीखना चाहती हैं, क्योंकि उनको जल्दी से सोर्स में मिलना है. अब आप जल्दी सीखना चाहते हो तो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए. जितनी डिफ़िकल्टी होगी उतनी जल्दी आप सीखोगे. उसी के साथ प्रॉब्लम आती है कि जितनी डिफ़िकल्टी होगी, जितना नेगेटिव एनवायरनमेंट आप अपने लिए चूज़ करोगे, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने माइंड के कंट्रोल में आ जाओ और सोल को दबा दो. तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन फिर भी पुरानी सोल्स जो हैं वो चांस लेती हैं और वो अपने लिए डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो काफ़ी बढ़ाती हैं. तो उनकी लाइफ में इमोशनल या इस तरह की जो डिफ़िकल्टी है इल्यूजन से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड, वो डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होंगी. तो वो यूजुअली ओल्ड सोल्स होती हैं जिनकी लाइफ में इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको उनसे डील करके सीख के आगे बढ़ना होता है. अब जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सारी पुरानी सोल्स जो हैं वो वाइज होती हैं, सारी पुरानी सोल्स जो हैं क्या वो समझदार होती हैं, वो डिवाइन होती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. क्योंकि सोल्स जो हैं वो डिवाइन होती हैं, लेकिन जब वो ह्यूमन बॉडी में आती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर पुरानी सोल जिसने ह्यूमन बॉडी ली है वो डिवाइन हो, वाइज हो या वो सही रास्ते पे जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे मीडिया पर्सनस, बहुत सारे फेमस लोग जो हैं वो आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने आप को लाइट वर्कर्स कहते हैं, अपने आप को टीचर्स कहते हैं, अपने आप को डिवाइन या स्पिरिचुअल कहते हैं. वो भी बहुत सारे लोग जो हैं इस साइकिल में आ जाते हैं जहाँ पे वो एक्चुअल में डिवाइन नहीं है. क्यों? क्योंकि सोल डिवाइन है, सोल की कोई गलती नहीं है, सोल डिवाइन है, लेकिन उसने एक ऐसी बॉडी या ऐसा माइंड चूज किया है जो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा, जो उसको ओवरपार करने की कोशिश करेगा. अब जब तक वो सोल जो है वो कॉन्शियस रहेगी, जब तक वो सोल की आवाज़ सुनता रहेगा, तब तक वो सोल जो है वो पॉजिटिव रखेगी उसको या सही रास्ते पे रखेगी. लेकिन जैसे ही आपने सोल की आवाज़ जो है, जो हम बोलते हैं ना हमारी कॉन्शियस हमें कई चीज़ें बोलती है, हमारा ज़मीर जो है वो हमें कई चीज़ बोलता है, लेकिन कुछ लोग अपने ज़मीर को मार देते हैं क्योंकि वो बात नहीं सुनते हैं उसकी. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन ने एक बार कोई गलत काम किया और उसके ज़मीर ने उसको बोला कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसने उसकी बात जो है वो ओवरलुक कर दी, उसने वो किया, दोबारा से किया. अभी धीरे धीरे जब वो करता रहेगा, धीरे धीरे सोल जो है उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी. माइंड इतना, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी कि सोल की आवाज़ आना उसको बंद हो जाएगी और वो अपनी लर्निंग से डाइवर्ट हो जाएगा. तो इस तरह वो ओल्ड सोल हो सकता है लेकिन अपनी लर्निंग से डाइवर्टेड हो सकता है. तो इसी तरह जो लोग बॉलीवुड या मीडिया या ग्लैमर वर्ल्ड में होते हैं, उनमें से कई हैं जो चकाचौंध में लिप्त हो गए हैं और वो भूल गए हैं कि वो एक बड़ी लर्निंग के लिए आए हैं. लेकिन अब जिस तरह का टाइम पीरियड आ रहा है, सारी सोल्स को एक बार शेक किया जाएगा, स्पेशली जो ओल्ड सोल्स हैं उनको एक बार ज़रूर अच्छे से धकेला जाएगा, उनको अच्छे से शेक किया जाएगा कि जाग जाओ, वक्त है बदलाव का, और बदलो और सही रास्ते पे आओ. तो इसलिए आप देख सकते देख पाओगे कि ऐसे कई ओल्ड सोल्स होंगी जो
एक्चुअल में वाइज नहीं होंगी, विजडम के साथ कनेक्टेड या सच्ची आध्यात्मिकता या डिवाइन या गॉड या सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगी, क्योंकि वो सोल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में हैं और ह्यूमन माइंड जो है उनको ओवर पावर कर रहा है, और सोल या कॉन्शियस जो है उसको उन्होंने, ज़मीर को जो है उन्होंने मार दिया है या कब बंद कर दिया है बिल्कुल डब्बे में. और अब जो टाइम पीरियड है जो कि स्पेशली अब एज ऑफ एक्वेरियस जो मैंने बोला कि ये डेकेड जो है, ये टाइम पीरियड जो है ये इन सोल्स को भी बहुत ज़्यादा शेक करेगा. तो आप देख सकते हो ऑलरेडी वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, सब जगह पे, या चाहे वो लोग हों जो अपने आप को डिवाइन बोलते हैं और प्रिटेंड करते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, सब जगह पे उन लोगों को प्रॉब्लम्स आना या उन लोगों की रियलिटी सामने आना जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड, ये डेकेड है जहाँ पे सफाई हो रही है और पुरानी सोच को भी याद दिलाया जाएगा कि अभी भी एक चांस है, सही रास्ते पे आ जाओ. और इसीलिए अगर आपको याद हो तो सुशांत बार बार वार्निंग देते हैं कि अभी भी टाइम है, सही रास्ते पे आ जाओ, गलत रास्ता, गलत चीज़ें, गलत थॉट्स जो है उनको यूज़ मत करो. तो एनीवेज, सो इसी तरह आप अपनी लाइफ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका सर्कल, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए किस तरह की है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एक ओल्ड सोल हो या आप एक एवरेज सोल हो या आप एक न्यू सोल हो, और अकॉर्डिंगली आप अपना पाथ जो है उसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने सोर्स के साथ या मोक्ष की तरफ जो है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ो. तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और भी मुझे अगर कोई डाउनलोड्स जो हैं वो आएंगे तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी. और बाकी एक कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेज, और तो दो कार्ड आए हैं. पहला कार्ड है टू ऑफ वैंड्स का, टू ऑफ गैब्रियल, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और दूसरा कार्ड है हर्मिट का कार्ड. अब ये कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अगर मैं जो वीडियो हमने बनाई सोल की उसके बारे में बात करें, तो वो इंडिकेट करते हैं कि जो गाइड्स होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, नो मैटर हम एक पुरानी सोल हैं या नई सोल हैं, और हमें अपनी जर्नी पे डेफिनेटली आगे बढ़ते रहना है और चीज़ें को जो है वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करनी है. उसके अलावा अब आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि आप अपने पाथ पे आगे बढ़िए. टू ऑफ वैंड्स है, डेफिनेटली आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो लाइक माइंडेड होंगे, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो. बहुत ज़रूरी है आप चीज़ों को क्लियरली देखें, बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करें. हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों कुछ चीज़ें करने की, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, या हो सकता है आपको किस तरह के पार्टनरशिप का ऑफ़र या किस तरह के कंपेनियनशिप का, रिलेशनशिप का ऑफ़र हो, या कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो या आप किसी में इंटरेस्टेड हों. कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से इवैल्यूएट करें, रोशनी की तरफ देखें, पॉजिटिवली चीज़ों को लें, अपने इंट्यूशन की बात सुने, अपने गाइड्स की बात सुने. वो डेफिनेटली आपको गाइड कर रहे हैं, और अगर आप उनकी बात सुनेंगे, गाइड्स की बात सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे, चीज़ों को इवैल्यूएट करके आगे बढ़ेंगे, तो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आपके पास आएगी. तो ये मैसेज है, आई होप ये मैसेज आप लोगों की हेल्प करे. और हाँ, कुछ डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग फास्ट मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं या हमारी तरफ आ रहे हैं इन अ सेंस. बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सबके साथ शेयर करें, थम्स अप मतलब लाइक बटन जो है उसको प्रेस करें, तो वीडियो सर्चेबल होती है. और अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे इन वीडियोस को शेयर करें, ये हेल्प करने के लिए हैं. जितने ज़्यादा लोग जो हैं उन तक ये मैसेजेस पहुँचेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनकी ज़िंदगी के लिए भी, और अवेकनिंग, वर्ल्ड अवेकनिंग के लिए भी, जो इस वक्त ज़रूरी है होना. कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ. और अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे, या फिर अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वैसे तो मेरे मैसेजेस पे व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर नहीं है तो कमेंट्स में भी आप मुझे टॉपिक डाल सकते हैं, और मैं वो टॉपिक नोट कर लूँगी, और मैं डेफ़िनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी जल्दी. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें. बाय बाय.